हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का सिलेबस, कि आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कितने प्रैक्टिकल करने हैं, कितना आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको करना है इन प्रैक्टिकल्स में, तो वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और कौन सी बुक आपके प्रैक्टिकल के लिए बेस्ट है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे क्योंकि इस चैनल पर हम आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें क्लियर कराते हैं और उसमें जो आपका प्रोसीजर है वो भी बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में था क्वांटिटिव एनालिसिस, उसमें हमने वाटर क्वालिटी एनालिसिस करा था, एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस कराया था, एस्टिमेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्कली कंटेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रेट वाटर। इसमें से कुल पांच प्रैक्टिकल आपको करने थे, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं सारे। केमिस्ट्री के आपको पाँचों प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सेकेंड सेमेस्टर की आएगी, तो देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट कराने हैं। अब देखिए, सेकंड सेमेस्टर का आपके ये सब, ये आपके खाली प्रैक्टिकल नहीं है कि आप सोचें कि चार प्रैक्टिकल करने हैं आपको, ये आपकी यूनिट्स हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स होंगे। पहली यूनिट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, उनका उन्हें किस तरह से सेपरेट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप हैं मोनो सैचुराइड्स है, डाई सैचुराइड्स है, इनमें कैसे डिफरेंस करना है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें होंगी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड फैट्स, तो इनमें आपको कुछ डिफरेंस करने को आएगा कि किस में प्रोटीन किस कौन सी में है, अमीनो एसिड किस में है, और इनका एनालिसिस आपको करना होगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ सिंपल ड्रग मॉलिक्यूल। अब इसे डीप में देखते हैं कि किस तरह से है आपका। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का है ये, और बुक का नाम क्या है, बायोकेमिकल एनालिसिस, तो इसी नाम से आपको बुक मिलेगी बायोकेमिकल एनालिसिस से। तो देखिए आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं इसमें। देखिए सबसे पहला ही है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू शुगर्स बाय सेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें आपको इन सेपरेशन करना है, टू शुगर्स आपको गिवन होंगी कि कौन सी शुगर नॉन शुगर है, कौन सी शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर्स भी दो तरह की होती हैं, उसमें डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सिंथेसिस ऑफ ओजोन एंसन, तो आपको सिंथेसिस देखना है ओजाजोन का। और इसमें आपके तीन प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं यूनिट वन में। एंड नेक्स्ट है आपके, इसमें देख सकते हैं आप कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, वो जब मैं आपको कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रैक्टिकल मैं आपको करा रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको जो आपके नए प्रैक्टिकल आए हैं आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वही सब आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसी तरीके से। इसमें देख लीजिए आप किस तरह के प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें भी तीन प्रैक्टिकल हैं। हमें खुद सारे प्रैक्टिकल नहीं करने होते हैं, कुछ ही प्रैक्टिकल करने होते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिकल करवाते हैं। सो अब देखते हैं कि कौन सी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है और बेस्ट भी है। तो अगर आप देखें तो वैसे तो कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ही मैं ज़्यादातर परचेस करती हूँ, तो उसी की मैं आपको एडवाइस दूंगी। बट आपने अगर अभी तो कोई बुक ले रखी है प्रैक्टिकल की, तो ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो सब में सेम ही होते हैं। बट कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है प्रैक्टिकल की, इसी नाम से आएगी बायोकेमिकल एनालिसिस, ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, अराउंड 100 रुपीज़ की होगी, इसके अंदर की होगी, अभी मैंने परचेज़ नहीं की है। जब मैं लूँगी तो आपको उसका रिव्यू भी डाल दूँगी कि कैसी बुक है ये, तो आप देख लीजिएगा। कृष्णा की आती है, शायद प्रगति की भी आती है, तो इन दोनों में से आप जो चाहें ले सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रैक्टिकल की बुक है तो उससे कर लीजिएगा। वैसे कृष्णा की नई बुक अभी बनी है जो बिल्कुल इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई है, और बुक ज़्यादा मोटी भी नहीं है, काफ़ी पतली बुक है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी बुक परचेस करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।